Hey guys. फाइनली दोस्तों, जॉन अब्राहम ने तोड़ दी है अपनी चुप्पी बायकॉट गैंग के लिए। उन्होंने दे दिया है अपना करा जवाब उन बायकॉट गैंग के लिए जो पठान मूवी को बायकॉट कर रहे हैं, शाहरुख खान को बायकॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। आप लोग को बताना चाहूंगा कि जॉन अब्राहम इंदौर काफी ज्यादा बिजी है अपने बिजी शेड्यूल को लेकर, अपने प्रमोशन को लेकर, वो भी पठान मूवी को लेकर, क्योंकि पठान मूवी के मेन लीड रोल में आप लोग को शाहरुख खान साहब और साथ में दीपिका पादुकोण और साथ में जॉन अब्राहम, आशुतोष राणा, कई सारे बेहतरीन एक्टर आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें से आखिरकार बायकॉट गैंग जहां तक पठान मूवी को बहुत ही ज्यादा टारगेट और शाहरुख खान को टारगेट कर रहे हैं, बायकॉट कर रहे हैं, हर जगह हौ हल्ला मचा रहे हैं और इस मूवी को रिलीज नहीं होने देंगे, ये पूरी तरह से विवादित माहौल बना रहे हैं। वहीं अभी आप लोग को बताना चाहूंगा, पठान मूवी का इंडोमी प्रमोशन चल रहा है, इस दौरान जहां तक जॉन अब्राहम साहब और उनके कुछ ऐसे मेंबर थे जहां पे, और बहुत सारे मीडियाकर्मी भी थे वहां पे, बहुत सारे मीडियाकर्मी में से एक मीडियाकर्मी अमनीश जी ने पूछा, जो सर आखिरकार अभी फिलहाल में आपकी फिल्म आ रही है पठान जो काफी विवादों से भी घिरा हुआ है, उसको लेकर काफी बायकॉट किया जा रहा है, ट्रोल किया जा रहा है, फिल्म को नहीं रिलीज होने देंगे, ये बोलते हुए कई सारे नेताओं नजर आते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए, उस पर जहां तक जॉन अब्राहम साहब ने कहा कि देखिए जो होना होगा वो होगा, ये बात तो मैं जानता हूं, अगर फिल्म की स्टोरी अच्छी होगी तो चलेगी, नहीं अच्छी होगी नहीं चलेगी, ये लिख लीजिए, ये बायकॉट गैंग से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको सिर्फ मौका चाहिए और वो मौका खोजते रहते हैं कि क्या मैं इसके इस मूवी में क्या नुक्सी निकालूं, जैसे देख लिए सॉन्ग में नुक्सी निकाल लिए हैं, इसमें शाहरुख खान साहब ने ना कपड़ा पहना है ना कलर कोई पहना है, जहां तक कलर को लेकर जो भगवा कलर ना पहना हुआ है, तब भी शाहरुख खान के पोस्टर जलाए गए, शाहरुख खान के टारगेट किया गया, इसमें तो कई सारे एक्टर हैं, सबको टारगेट करते, मुझे भी टारगेट करते, बट ये सब बिल्कुल ढकोसलाबाजी ही लोगा, और इस तरह की बात कहकर वो निकल गए। मीडिया आर्टिकल में ये बात अभी पूरी तरह से रौंदा गया है, मतलब पूरी तरह से छाप दिया गया है, अभी सोशल मीडिया पर यही चर्चा है कि जॉन अब्राहम साहब आखिरकार इस तरह की जहां तक बायकॉट गैंग के लिए अपनी जवाब दे दी है। जी हां, और कहीं ना कहीं इससे बायकॉट गैंग की जलेगी भी, और वो नीचे कमेंट में बहुत सारी बात बोलेंगे उल्टे पुल्टे, तो देखिएगा आखिरकार किस तरह की माहौल होता है। और जॉन अब्राहम साहब ने एक इशाराबाजी दे दिया है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो करना है आप लोग करते रहो। जी हाँ, स्टोरी अच्छी होगी चलेगी, नहीं अच्छी होगी नहीं चलेगी, और उनको पूरी तरह से भीतर से विश्वास है फिल्म की स्टोरी एक नंबर है, जिस कारण से आखिरकार इस मूवी को लेकर पूरी तरह से माहौल बना हुआ है, जो आप लोग के सामने भी दिख रहा होगा, रोज रोज इतनी सारी अपडेट आ रही है, मैं डाल नहीं पाता हूँ कि आखिरकार मैं क्या बताऊंगा। आखिरकार इस फिल्म से रोज एक नई नई रिकॉर्ड दर्ज होता है, एक नई कई सारे जो मैं आप लोग को लगातार बता रहा हूँ। आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि बायकॉट गैंग इस फिल्म पर प्रभाव दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? क्या ये फिल्म की स्टोरी लाइन अच्छी होगी तभी चलेगी या नहीं होगी तब भी चलेगी? किस तरह की आप लोग की रिएक्शन होगी इस पर अपना अपना ओपिनियन जरूर दें।